मैम एक बार ना शेयर कर दो मैम, लिंक ना ग्रुप में शेयर कर दो कॉम्पिटिटिव दे विच ते केवी। हाँ जी ते केवीएस दे विच भी कर दो। हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल वर्धमान करियर प्लेस। सो थोड़ा सारिया का एक बार फिर तो स्वागत है। सब तो पहला तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि साल की यह पहली करंट अफेयर की क्लास जी है वो लगन लगी है। तो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दो मिनट तक आप स्टार्ट करते हैं, जिनी देर तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें क्लास नू। हाँ जी राजे, थैंक यू एंड सेम टू यू। सो अज आप करांगे कि 2 जनवरी तो लैके हुण तक दे अज तक दे किहड़े ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे आ, तां उहनां दे उत्ते निगाह मारांगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो किस तरीके एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है तो वो असी देखांगे। चलो सब तो पहला देखो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रीसेंटली मांड्या कर्नाटका दे विच मेगा डेयरी का इवेंट किसने इनॉग्रेट किया है? Who among the following has inaugurated the mega dairy at Mandya in Karnataka recently? Hanji Raji, is the answer ki hona chahiye? The mega dairy event jira hai. Hanji Anchal, bilkul sahi. So Union Home Affairs Minister and Cooperation Minister Mr. Amit Shah inani is mega dairy de event nu Karnataka de vich inaugurate kita hai. नहीं बी नहीं है राजे। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दे द्वारा अनुसार इंडिया दा पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ए जिहड़ा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ए कदों कंप्लीट हो जाएगा? यानी कि इंडिया दा पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस प्रोजेक्ट जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਸਰ ਸੰਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। अगला क्वेश्चन देखो, रीसेंटली अजय कुमार श्रीवास्तव नु किस बैंक का एमडी ते सीईओ अपॉइंट किया गया है?
यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ जी बिल्कुल सही। सो इंडियन ओवरसीज बैंक का, सो इंडियन ओवरसीज बैंक का नवा एमडी ते सीईओ किसनू अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली फाइड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जिहड़ा कि होया कजाकिस्तान दे विच, इस दे विच किसने पहला सिल्वर मेडल जिहड़ा है पहली वरी वो जितया है? पहली वरी इंडियन वो केड़ा है जिसने सिल्वर मेडल इस चेस चैंपियनशिप ब्लिट्स दे विच जितया है? हाँ जी एग्जैक्टली बिल्कुल, कोनेरू हम्पी ने इंडिया नू प्राउड फील करवा दिता है पहली बारी सिल्वर मेडल इस चेस चैंपियनशिप दे विच जीत के, कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन देखो, सो रीसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 दे विच मैन्स अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल उड़ीसा नू हरा के 6-5 तो किस स्टेट ने जितया है? किस स्टेट ने यह जितया रजे? यस हां जी हरदीप बिल्कुल सही। सो मध्य प्रदेश ने उड़ीसा नू हरा के मैन्स अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल जित लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 दे विच। यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीसेंटली किस बैंक ने एसबीआई कार्ड दे नाल पार्टनरशिप करके लॉन्च किया कि वह लॉन्च करेंगे को ब्रांड क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स दे ले? एसबीआई कार्ड दे नाल पार्टनरशिप किसने की है को ब्रांड क्रेडिट कार्ड नू लॉन्च करन दे ले? हां जी हरदीप बिल्कुल सही। सो पंजाब एंड सिंध बैंक, सो पंजाब एंड सिंध बैंक ने कोऑपरेशन सॉरी पार्टनरशिप की है एसबीआई कार्ड दे नाल। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली बांग्लादेश ने पहली मेट्रो रेल सर्विस जी है अपनी कैपिटल टाका दे विच उसनू लॉन्च किया है और इस मेट्रो रेल सर्विस के लिए किस कंट्री ने फंडिंग की सी बांग्लादेश नू? हाँ जी बिल्कुल सही। सो जापान ने फंडिंग की अजे बांग्लादेश नू इस पहली मेट्रो रेल सर्विस के लिए, क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस जेड़े सिगे वो थोनू सारियां नू पता ही है तो जापान ने फिर इस नू फंडिंग की सी। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 दे विच विमेन्स अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल मध्य प्रदेश नू हरा के किसने जितया है? हां जी आंसर बिल्कुल सही। सो हरियाणा ने, देखो मध्य प्रदेश ने जितया रजे मेन्स अंडर 18, ठीक है, ते हरियाणा ने जितया है विमेन्स अंडर 18। इस चीज दे विच कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। अगला क्वेश्चन देखो, वो केड़ा ऐसा पहला पर्सन है जिसने 200 बिलियन डॉलर अपना लूज कर दिता है? हां जी राजे, किसका लॉस हो गया है 200 बिलियन डॉलर का? बिलियनेयर्स दी लिस्ट दे विचों वो केड़ा ऐसा पर्सन है पहला जिसने 200 बिलियन डॉलर लॉस कर दिता है?
यस सांजी, बिल्कुल सही। सो एलॉन मस्क, क्योंकि ट्विटर कई इसने बंदे कर दिते या कई बंदे छड़ के चले गए, तो काफी ज्यादा लॉस जड़ा है इसनों बेयर करना पिया। नेक्स्ट देखो, किस साल नू यूनाइटेड नेशन दे द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स डिक्लेयर किया गया है? किस साल नू यूनाइटेड नेशन दे द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स डिक्लेयर किया गया है? हां जी हरदीप, बिल्कुल सही। सो 2023 नू इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स डिक्लेयर किया गया है, यानी कि सीरियल्स जरियां हैगियां या जिमें ज्वार, बाजरा, मक्की, इना नू ज्यादा प्रमोट करना है न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे लिए। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली ब्राजील दे नवे प्रेसिडेंट दे वजों किसने सौ चक्की है, यानी कि ब्राजील दा नवा प्रेसिडेंट किसनु अपॉइंट किया गया है? हां जी बिल्कुल राजे, सो लूला डा सिल्वा ए नवे ब्राजील दे प्रेसिडेंट इलेक्ट किते गए हैं, और इन्होंने सौ भी चक ली हैगी है, ते अपना ऑफिस का कार्यकाल भी संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जिहड़ा फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर है वो किस स्टेट दे विच रख्या है? संदीप, तुहाडा भी आंसर बिल्कुल सही सीगा राजे। हां जी राजे, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नींव पत्थर किथे रखा है अमित शाह ने? यस, गलत आंसर है राजे, त्रिपुरा। सो द राइट आंसर इज कर्नाटका। सो कर्नाटका, नॉट त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे चलो, हर साल ग्लोबल फैमिली डे असी कदों सेलिब्रेट करते हैं? हर साल ग्लोबल फैमिली डे कदों सेलिब्रेट किया जाता है? यस, फर्स्ट जनवरी। हर साल असी 1 जनवरी नू ग्लोबल फैमिली डे जिहड़ा है ओ विश्व पद्धर दे उत्ते सेलिब्रेट कर देंगे हां। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली बीसीसीआई ने अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया दे विच डेक्सा नू रिकमेंड किया है, कि यानी कि डेक्सा का जिहड़ा क्राइटेरिया है उन्हां नू फॉलो करना पड़ेगा जे तुसी इस क्रिकेट बोर्ड दे विच एंट्री करनी है। डेक्सा की चीज है, व्हाट इज डेक्सा? हां जी हरदीप, बिल्कुल सही है। सो इट्स अ बोन डेंसिटी स्कैन। सो बोन डी डेंसिटी द स्कैन होएगा, ठीक है, ताकि थोड़ा कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, कि तुसी बिल्कुल हेल्दी हो खेडन दे लिए, तो बोन डेंसिटी स्कैन नु एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है बीसीसीआई दे द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटली या वर्चुअली इनॉग्रेशन की है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन दी किस शहर दे विच? किस शहर दे विच इस दी इनॉग्रेशन की गई है? यस, बिल्कुल सही। सो द राइट आंसर इज कोलकाता।
सो कोलकाता दे विच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन दी इनॉग्रेशन जिहड़ी है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, रीसेंटली किस आर्म्ड फोर्स ने श्रीनगर दे विच स्टूडेंट्स दे नाल जश्न चिलाई कला सेलिब्रेट कीता है। तो चिलाई कला में थोनू दस दवा कि एक्सट्रीम चिल्ड वैदर है और जदों शुरू हुंदा है तो वह चिलाई कला जिहड़ा है उहदी सेलिब्रेशन हुंदी है कि बहुत जदों बर्फ पैंदी हैगी है तो एक्सट्रीम कोल्ड वैदर टर्म यूज की जाती है। हाँ जी बिल्कुल सही। सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF अगला क्वेश्चन देखो, सो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65th फाउंडेशन डे जिहड़ा है वो कदों सेलिब्रेट कीता जा। असी कहिए कि DRDO अपना फाउंडेशन डे हर साल कदों सेलिब्रेट कर दी है। हाँ जी हरदीप बिल्कुल सही। सो 1 जनवरी नू हर साल DRDO का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कीता जाता है और 2023 दे विच जिहड़ा सेलिब्रेट कीता गया है वो है 65th फाउंडेशन डे। हाँ जी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली ए बुक किसने लिखी है जिसका टाइटल है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ द दलित चीफ सेक्रेटरी। हाँ जी राजे बिल्कुल, काकी माधव राव इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, ठीक है, दलित कम्युनिटी नु मद्देनजर रखते हुए चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली किस कंट्री ने यूरोपियन करंसी यूरो नूं अडॉप्ट करन दे नाल नाल उह यूरोप दे पासपोर्ट फ्री जोन दे विच कंट्री जिहड़ी है यूरोपियन यूनियन नूं जॉइन करके उह बन गई हैगी है। यानी कि उह केड़ी कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन नूं जॉइन कर लिया और यूरो नूं अपनी करंसी दे तौर ते अडॉप्ट कर लिया और यूरोप दे पासपोर्ट फ्री जोन दे विच उह एंटर कर चुकी है। ठीक है, पासपोर्ट फ्री जोन का मतलब है कि विदाउट एनी पासपोर्ट वी कैन ट्रैवल, ठीक है, टू द यूरोप। तो वो कंट्री है राजे बिल्कुल सही, क्रोएशिया। सो क्रोएशिया जिहड़ी है उसने यूरो भी अडॉप्ट कर लिया है, यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन कर लिया है और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करन दे करके वो पासपोर्ट फ्री जोन दे विच पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने एक मिशन लॉन्च किया है मिशन 9 to 9 जिस दे नाल की होएगा कि वोटर जिहड़े है वो टर्न आउट ले सकते हैं ओवर 90s, जिहड़े 90 तो उपर दे हैगे आ उन्हां नूं स्पैशल वोट पहला करवा के प्रेफरेंस पहले आधार ते दे के उन्हां नूं करे तुसी भेज सकते हो मिशन 9 to 9। यस हाँ जी बिल्कुल सही। सो त्रिपुरा दे विच इस मिशन नूं 9 to 9 नूं लॉन्च कीता गया। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली न्यू दिल्ली दे विच 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस दे द्वारा इनॉग्रेशन इस दी कीती गई है।
यह सांझी अंचल बिल्कुल सही। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यह जरा इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस जी है, सॉरी इंडियन साइंस कांग्रेस ISC इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली हाइड्रोजन ब्लेंडेड PNG प्रोजेक्ट जिहड़ा है वो केड़ी स्टेट के विच उसनु ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। आंचल जी तुस्ता अगे ते पहुंच गए। हरदीप, हिमाचल इज द रोंग आंसर, इट्स इन गुजरात। सो गुजरात दे विच इस हाइड्रोजन PNG प्रोजेक्ट नू ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। हां जी आंचल बिल्कुल थोड़ा आंसर सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली वर्ल्ड दे विच सेकंड ते एशिया दे विच पहली कंट्री केड़ी बन गई है जिसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, पहली बारी हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्रोजेक्ट जिहड़ा है वर्ल्ड दे विच सेकंड ते एशिया दे विच पहली कंट्री की बन गई है। यस ऑफ कोर्स चाइना, चाइना। ठीक है, चाइना राजे बिल्कुल सही। हां जी हरदीप बिल्कुल सही है, चाइना। और पहली केड़ी कंट्री सी वर्ल्ड दे विच, फर्स्ट जर्मनी, फर्स्ट कंट्री सी की वर्ल्ड दे विच जर्मनी और सेकंड है चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 2021-22 दे प्रोसेस दे विच किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने प्रॉफिट मेकिंग दे विच टॉप कीता है, किस कंपनी ने टॉप कीता रजे प्रॉफिट मेकिंग दे विच। यस हां जी आंसर बिल्कुल सही। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जरी है ए PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इस कंपनी ने सब तो ज्यादा प्रॉफिट जरा है वो कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस बैंक ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के नाल के वह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी द नेक्स्ट फेज जरा है उसको कॉन्टिन्यू करेगा। ममता तिमान जी थोड़ा सी तह दिलों स्वागत कर दे जमात विच। हां जी बिल्कुल, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, HDFC बैंक ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज उसकी इनॉग्रेशन की है
और ये सियोन ब्रिज जिहड़ा है ये किस स्टेट दे विच स्थित है? किस स्टेट दे विच बनाया गया है? यस, हां जी आंचल बिल्कुल सही। सो अरुणाचल प्रदेश दे विच सियोन ब्रिज नु इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखो, सियाचिन ग्लेशियर दे विच किस पहली विमेन ऑफिसर नू तैनात किया गया है रजे? और नहीं तो पहला नहीं कभी भेजा विमेन नू। और सियाचिन जिहड़ा है ए वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड जिथे -25 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर है। हां जी ममता हदीप आंचल बिल्कुल सही। सो कैप्टन शिव चौहान नु ए पहली विमेन ऑफिसर है जिसनु तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर साल असी वर्ल्ड ब्रेल डे कदों सेलिब्रेट करते हैं? तब ब्रेल स्क्रिप्ट है, लिपि है जिहड़ी कि डेफ एंड डम दे लई यूज कीती जांदी है, जिसनु इनवेंट करन वाला सीगा लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, यस, हां जी बिल्कुल सही। सो हर साल 4 जनवरी नु असी वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट कर दे हां। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिवें कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन्हां दे उत्ते बैटिंग साइट्स जिहड़ियां है, ऑनलाइन बैटिंग साइट्स, उन्हां दीआं एडवर्टाइजमेंट्स नूं बैन करन दा डिसीजन लिया है? उन्हां नूं बैन करन दा डिसीजन लिया है किस मिनिस्ट्री ने? यस, हां जी आंचल बिल्कुल सही। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने बैन कर डिसीजन ले लिया कि वो बैन कर देगी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स फेसबुक यूट्यूब होना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है सीएम्स सुख आश्रय सहायता कोष जिस दे तहत पब्लिक असिस्टेंस जिहड़ी है वो प्रोवाइड कीती जाएगी जनता नू, मतलब कि फैसिलिटीज दित्तियां जाणगियां। यस एग्जैक्टली, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हां जी हरदीप आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कर दे चलो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली 2023 दे विच होण वालियां पंचायती पोल्स दे विच किस स्टेट ने दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं? एक का नाम है दिदिर सुरक्षा कवच ते दूसरा है दिदिर दूत, यानी कि पंचायती इलेक्शंस दे विच कोई गड़बड़ ना होवे, कोई हल्ला गुल्ला ना होवे, इस करके इलेक्शंस नू अच्छे तरीके दे नाल निपटारन दे लई ए प्रोग्राम चलाए गए हैं किस स्टेट दे विच? यस, वेस्ट बंगाल। ममता बैनर्जी उन्हों कहा जाता है दीदी, वो एक दूत का काम भी करेगी ते सुरक्षा कवच दे काम दे तौर ते भी काम करेगी।
नेक्स्ट देखो, रिसेंटली इमोनो अरप्पा फेस्टिवल एक ट्राइबल फेस्टिवल है और एक किस स्टेट पे विच रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? यस, मणिपुर इज द राइट आंसर. सो मणिपुर दे विच रिसेंटली ए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन कमीशन दे द्वारा किस स्टेट का स्टेट आइकन के तौर पे अपॉइंट किया गया है मैथिली ठाकुर फोक सिंगर नो. सो फोक सिंगर मैथिली ठाकुर नो किस स्टेट का स्टेट आइकन यानी कि इलेक्शन कैंपेन नु प्रमोट करन दे लई अपॉइंट किया गया है? यस, बिहार इज द राइट आंसर. बिहार इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैंक ऑफ सिंगापुर द नवा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसनु अपॉइंट किया गया है? बैंक ऑफ सिंगापुर का नवा सीईओ. हां जी आंसर बिल्कुल सही है. सो जैसन मू. सो जैसन मूनू नवा सीईओ अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ सिंगापुर का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने डीआरडीओ के नाल टाई अप किया है, कोलैबोरेशन की है कि डेवलप करेंगे वो एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज यानी कि 3D टेक्नोलॉजी नू यूज करेंगे डिफेंस फील्ड दे विच? हां जी हरदीप बिल्कुल सही आंसर है. सो IIT मद्रास इसने DRDO दे नाल कोलैबोरेशन कीती है. नेक्स्ट देखो, रिसेंटली किस एंटिटी ने लॉन्च किया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ द हाउसहोल्ड जिहड़ा कि मोनेटरी पॉलिसी दे इनपुट दे लई बहुत ही एक अच्छे तौर पे कम करेगा? सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ द हाउसहोल्ड्स ए लॉन्च किया है किस एंटिटी ने? मोनेटरी पॉलिसी नू एनालाइज करन दे लई. यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास. नेक्स्ट देखो, जग्गा मिशन दे लई रिसेंटली किस स्टेट ने जीता UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर द जग्गा मिशन? यस, ओडिशा इज द राइट आंसर. ओडिशा दे सीएम नवीन पटनायक ने यह अवार्ड रिसीव किया है. यह मिशन चलाया गया सी ताकि जो रहन बसेरे हैगे आ उन्होंने सारियां नू प्रोवाइड करवाने हैगे. ठीक है, उस दे लई यानी कि जिन्ने भी व्यक्ति हैगे आ उन्हें सारियां नू घर बनवा के देने हैगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश असेंबली का
स्पीकर किसनों अपॉइंट किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विच पोल्स हुई सी असेंबली पोल्स और उस दे विच सुखविंदर सिंह सुखू जिहड़े है वो सीएम बने सीगे, तां स्पीकर कौन है? हाँ जी हरदीप बिल्कुल सही, सुकुलदीप सिंह पठानिया ये हिमाचल प्रदेश असेंबली दे नवे स्पीकर बन गए। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली किसनू सम्मानित किया गया है, ओडा कुजल अवार्ड 2022 दे नाल फॉर उस दिया शॉर्ट स्टोरीज दी कलेक्शन दे लई जिसका टाइटल है प्राण वायु। इस दे लई हाँ जी राजे बिल्कुल सही आंसर है। सो अंबिका सुदन मंगद इन्हों इस अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया है इन्हों शॉर्ट स्टोरीज दी कलेक्शन दे लई। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि वो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत एक साल दे लई फ्री जिहड़े चौल है वो जनता नूं प्रोवाइड करेगी, और किन्ने किलो? 5 किलो चौल। हां जी हरदीप, उड़ीसा इस सरकार ने ये डिसीजन लिया। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 18th नेशनल जंबोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इवेंट किथे इनॉग्रेट किया है, किस स्टेट दे विच इस दी इनॉग्रेशन की है इस इवेंट दी? यस हां जी अंचल बिल्कुल सही, सो राजस्थान इज द राइट आंसर, और राजस्थान दे सीएम अशोक गहलोत द्रौपदी मुर्मू दे नाल इनॉग्रेशन दे विच। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिती है कि गोवा दे विच मोपा एयरपोर्ट का जिहड़ा नाम है वो किस दे नाम ते रखा जाएगा। मोपा एयरपोर्ट का नाम किस दे नाम ते रखा जाएगा? हां जी बिल्कुल सही, सो मनोहर पारिकर जिहड़े के 2 times सीएम भी रह चुके हैं गोवा दे और इंडिया दे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी उन्होंने नाम से मोपा एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धानु यात्रा फेस्टिवल जिहड़ा कि एक सब तो वड्डा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है एक किस स्टेट दे विच रीसेंटली शुरू होया है? किस स्टेट दे विच यह शुरू होया है? यस हां जी, उड़ीसा दे सीएम नवीन पटनायक ने इस फेस्टिवल नू इनॉग्रेट किया सीगा। नेक्स्ट देखो, रीसेंटली 25 करोड़ दी कॉस्ट दे नाल किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया सीगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी ताहर, यानी कि नीलगिरी ताहर जिहड़े के चाह पत्ती दे बाग हैगे आ उन्हां नूं कंजर्व करन दे लई ए इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ए जिहड़ी राशि है ए जिन्ने भी एमएलएज हैगे आ ठीक है
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MLAs ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਫ ਯੂਰਪ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਫ ਯੂਰਪ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਟੀਚਰ ਕਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਫਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਆਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? Yes, exactly, Goa ਦੇ ਵਿੱਚ। Goa is the right answer. Next ਦੇਖੋ, recently ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਮੈਨ ਆਫਿਸਰ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? First woman to head the police commissionerate. Yes, Lakshmi Singh. A pehli women IPS officer hai jinu commissionerate appoint kita gaya hai UP sarkar de dwara. Next question dekho, RTI responsiveness index de vich worst performed state ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? RTI ਰਿਸਪੋਂਸਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ RTI ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਟਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਸਟੇਟ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਚੀਫਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ 2022 ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ? Yes, Chhattisgarh is the right answer.
देखो छत्तीसगढ़ स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट ने क्राइम नू ठल पाण दे लई ते मनी लॉन्ड्रिंग नू ठल पाण दे लई ठीक है एक कैंपेन चलाई सी जिसका नाम सी निजात कैंपेन और उसी कैंपेन दे लई इस छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस नू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड दे नाल सम्मानित किया गया है। सो ये सिगे इस वीक दे इस साल दे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि थोनू अच्छे तरीके दे नाल समझ आगे होणगे ते क्वेश्चन फॉर्म दे विच किस तरीके दे नाल एग्जामिनर दे द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकदे आ तो वो असी कीते हैगे। हां जी राजे क्लियर होया क्लियर चलो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीक ओके बाय बाय।